हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्यों डिस्कस करवा रहे हैं, ये तो हमें आता है। ठीक है, हमें पता है क्या होता है सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इंट्रैक्शन ऑफ गैशियस कटायन और अनायन विद अ सॉल्वेंट, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है जी, आपको आता है, वेरी गुड। ठीक है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अब बहुत सारे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर ये साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, नहीं पता। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, आयनिक मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो टॉपिक है। ठीक है, हर साल मेंस में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, क्या होता है सॉल्वेशन एनर्जी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है जब एक गैसियस कटायन या गैसियस अनायन किसी भी एक सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेशन। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कोई भी गैसियस कटायन या गैसियस अनायन किसी भी सॉल्वेंट के साथ अगर इंट्रैक्ट करेगा तो इंट्रैक्शन कैसी होती है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होती हैं, और जब भी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन आती हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, अगर वाटर यूज करोगे एज अ सॉल्वेंट तो उस एनर्जी को हम क्या नाम दे देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई सॉल्वेशन एनर्जी की, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ गैसियस कटायन और अ गैसियस अनायन इंटरेक्ट्स विद अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, एंड इन केस सॉल्वेंट इज वाटर, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। अच्छा जी, अब हम कुछ डाटा डिस्कस करते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, और आप ले लीजिए रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, लिथियम प्लस वन, सोडियम प्लस वन, पोटेशियम प्लस वन, रुबिडियम प्लस वन एंड सीजियम प्लस वन, सबके सब किस में है, गैसियस स्टेट में है। तो जब ये वाटर से इंट्रैक्ट करेगा तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, लिथियम प्लस वन, एक्वस स्टेट। ठीक है, इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, कितना, 520 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अगर सोडियम की बात करें, सोडियम जब इंट्रैक्ट करता है तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी होती है -416 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अगर पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम के केस में यह एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाती है -320 किलो जूल्स पर मोल। रुबिडियम के केस में ये एनर्जी जो आपको मिलती है ये होती है -296 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अच्छा जी, और सीजियम के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -264 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, देखिए डाटाज आपको इसलिए प्रोवाइड किए हैं क्योंकि डॉक्टर लॉजिक्स में आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जाता है वो विद एक्सपेरिमेंटल डाटास, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में अच्छा खासा एनर्जी डिफरेंस है, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम हुआ, इनमें और कम हो गया, इनमें तो बहुत ही कम हो गया। और एक चीज़ जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है,
देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एक ही ग्रुप में लाई करते हैं और टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। ठीक है, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा जी, एक चीज और, जो हमारी सॉल्वेशन एनर्जी है, सॉल्वेशन एनर्जी है, वो हमारी डिपेंड करती है किस पे? चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी पे, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारी सॉल्वेशन एनर्जी होगी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी। एरिया स्फीयर है तो एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर साइज बड़ा होगा तो एरिया बड़ा होगा। अब इन सब केस में चार्ज तो कांस्टेंट है, प्लस वन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज तो कांस्टेंट है, लेकिन लेकिन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। अगर अगर एरिया बढ़ेगा तो सॉल्वेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? एरिया बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो सॉल्वेशन एनर्जी भी कम हो गई। ठीक है, तो यही हमारे डाटा ने कहा कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब वाटर के साथ इसको हमने क्या नाम दे दिया? हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। क्यों? पोलर सॉल्वेंट है, है ना, पोलर सॉल्वेंट है। साथ में इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 81, हाईएस्ट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अगर हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ा दें या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को कम कर दें तो उससे सॉल्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है ये पता है? ठीक है, देखिए, जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होगी उस सॉल्वेंट की आयनिक स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट करने की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ इंटरेक्ट करने की। मतलब अगर वाटर की बात करते हैं, वाटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है 81, तो अगर आप इसके अंदर कोई भी आयनिक कंपाउंड डालेंगे ये फटाफट उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वेलकम करेगा उसका, आइए पधारिए। ठीक है, तो अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी, अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया तो इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी। इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी तो सॉल्वेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इंटरेक्शन कम होंगी तो सॉल्वेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अब क्या हुआ, मान लेते हैं हमने लिथियम को डाला किसके अंदर? वाटर के अंदर। लिथियम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। ठीक है, तो वाटर, वाटर के अंदर नेगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है। तो पॉजिटिव के साथ कौन इंटरेक्ट करने आएगा? नेगेटिव पार्ट। तो ऑक्सीजन वाला पार्ट इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये क्या हो गई? लिथियम की सॉल्वेशन हो गई। तो इस पूरे स्पीशी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेटेड आयन। ठीक है, सॉल्वेटेड आयन या सॉल्वेटेड सिस्टम। अब हमने क्या पढ़ा कि लिथियम का साइज छोटा है, चार्ज बराबर है लिथियम और सोडियम में, तो सॉल्वेशन किसकी ज्यादा हो रही है? लिथियम की। तो मतलब अगर हम एक लिथियम प्लस वन लेते हैं तो इसके सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसकी सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। ठीक है, बहुत दिमाग लगेगा ड्राइंग समझने में कि क्या बन गया। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक स्फेरिकल चार्ज स्पीशी बन गया, लिथियम के सराउंडिंग में क्या आ गए? वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आए। क्यों? हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेडियस होगा जिसको हम क्या नाम देंगे? रेडियस ऑफ हाइड्रेशन। रेडियस ऑफ हाइड्रेशन,
ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं आर फॉर रेडियस लिथियम का इन एक्वस, ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम यही चीज बात करें सोडियम सीजियम के केस में, सीजियम बहुत बड़ा है, ठीक है, घमंड है, मैं तो बहुत बड़ा हूं, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वाटर को भी क्या जरूरत है इंटरेक्ट करने की, वाटर भी बहुत पावरफुल है, हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 81 के साथ पूरे पोलर सॉल्वेंट्स पे राज कर रहा है, ठीक है, तो सीजियम इंटरेक्ट नहीं कर रहा, घमंड में है, तो वाटर भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास आए, बहुत ही कम, ठीक है। इसकी तो मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन हुई, बहुत ज़्यादा खाया पिया और बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन सीजियम घमंड में था, इंटरेक्शन अच्छी नहीं हुई, इतना ज़्यादा नहीं कुछ इंटरेक्ट कर पाया, तो छोटा सा रेडियस बना, तो इसका जो रेडियस ऑफ हाइड्रेशन होगा वो बहुत कम होगा, रेडियस ऑफ हाइड्रेशन जो इसका होगा वो बहुत कम होगा, रेडियस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीजियम आयन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारा मोबिलिटी में, आयनिक मोबिलिटी। अब देखिए आयनिक मोबिलिटी का क्या है केस, ये भी डिस्कस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आयनिक मोबिलिटी। अब आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, आयनिक मोबिलिटी क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आयंस कैसे कंडक्ट करेंगे, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सिस्टम, उस चीज को हम क्या बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। अब सोडियम के केस में या लिथियम के केस में बहुत अच्छी हाइड्रेशन हुई, अच्छी हाइड्रेशन हुई तो बहुत बड़ा साइज बन गया, बहुत हैवी बन गया, हैवी बनने के कारण उसकी मूवमेंट क्या हो गई, कम हो गई, तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई उसकी, कम हो गई, मूव नहीं कर पा रहा। या फिर आप ये कह सकते हैं लिथियम को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया, वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स से घिर चुका है, तो अब वो मूव नहीं कर पाएगा, तो जो लिथियम की मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ सीजियम। क्यों, सीजियम की इंट्रेक्शन अच्छी नहीं हुई थी, तो जो रेडियस ऑफ हाइड्रेशन था वो क्या था, काफी कम था, बहुत छोटा साइज था, तो आराम से मूव कर लेगा, उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा नहीं है, नहीं घेरा है तो आराम से इधर उधर जा सकता है, जबकि लिथियम के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे थे, बहुत तरफ से घिरा हुआ था, आराम से मूव नहीं कर पा रहा था, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ सीजियम, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें सोडियम प्लस वन और एफ नेगेटिव, किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, इन दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस वन, तो किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा एक हो गया सोडियम, एक हो गया एफ नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों का जो साइज है, इन दोनों का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 136 पिकोमीटर्स है, 136 पिकोमीटर्स, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो भी क्या है, सेम वन, तो जो इसकी चार्ज डेंसिटी आई वो सेम आ गई, चार्ज डेंसिटी इसकी सेम आ गई, तो इसका मतलब हाइड्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज इक्वल टू हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, तो दोनों की हाइड्रेशन क्या हो गई, सेम, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम, लेकिन 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 ऐसा नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे सर ने तो गलत पढ़ा दिया, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाया, देखिए केमिस्ट्री में साइंस में कई बार चीज़ें यू टर्न ले लेती हैं, तो ये छोटा सा यू टर्न है, ठीक है, तो अब
जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो क्या है, हाइड्रेशन ऑफ किसकी, फ्लोराइड इज मच मोर देन हाइड्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। क्यों? देखिए, अगर फ्लोरीन आया होगा इंट्रैक्शन शो करने, तो इसके आसपास कौन आया होगा, हाइड्रोजन आया होगा, पॉजिटिव एंड आया होगा वाटर का इसको सॉल्वेट करने। ठीक है, क्यों? हाइड्रोजन एंड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, इधर भी हाइड्रोजन। तो अगर फ्लोरीन इंट्रैक्शन शो करने आता है तो हाइड्रोजन इससे इंट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, पोटेशियम आयन की, तो वाटर का कौन सा पार्ट इससे इंट्रैक्शन शो करेगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट। क्यों? नेगेटिवली चार्ज पार्ट इससे इंट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, तो नेगेटिवली वाला पार्ट इससे इंट्रैक्शन शो कर रहे। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का एक ही एटम इससे इंट्रैक्शन शो कर रहा है, तो एक ही बॉन्ड बनेगा, जबकि फ्लोराइड के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल के दो एटम्स इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो बॉन्ड्स किस में ज्यादा बने, फ्लोराइड के केस में बॉन्ड ज्यादा बने तो उसके इंट्रैक्शन भी क्या हो गई, ज्यादा। अगर इंट्रैक्शन ज्यादा हुई तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो गई, ज्यादा। तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड इज मच मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। ईजी है, देखिए कितना ईजी कंसेप्ट है, क्रिस्टल क्लियर हो गया हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं, डाउट क्वेरीज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम एक व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करेंगे जिसमें हम बच्चों के डाउट्स क्लियर किया करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ आने वाला है।